मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की नजदीकियां जैसे ही बढ़ रही है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दलों में टिकट पाने वालों की लाइनें में भी बढ़ोतरी हो रही है। पन्ना जिले की पवई विधानसभा हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है, क्योंकि इस विधानसभा से पिछली बार बीजेपी से पवई विधायक प्रहलाद लोधी की चमत्कारिक जीत के बाद पिछड़े वर्ग के प्रत्याशियों का कद दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एवं बीजेपी में बढ़ा है। यह कहना भी अति सहयोग की नहीं कि इस वर्ग की संख्या किसी अन्य वर्ग की अपेक्षा भी ज्यादा है। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों में नया नाम सिमरा कला निवासी रिटायर्ड एसडीओ जवाहरलाल कुशवाहा का उभर कर सामने आ रहा है। जवाहरलाल कुशवाहा द्वारा जिस तरह स्वघोषित कांग्रेस के बैनर से अपनी सक्रियता दिखाई है, वह किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि वह पिछले कई महीनों से गांव गांव पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं तथा उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। जी, मैं इंजीनियर जवाहरलाल कुशवाहा, रिटायर्ड एसडीओ जल संसाधन विभाग, और 2 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। अब मैं राजनीति में आ गया हूँ और किसान कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री हूँ। तो मेरी इच्छा है कि मेरे क्षेत्र में, पवई क्षेत्र में इतना विकास हो, क्योंकि अभी तक जो मैंने देखा, किसी गांव में बिजली नहीं है तो किसी गांव में सड़क नहीं है, और कल्ला श्यामगिरी से लेकर के और आपके किसी भी क्षेत्र में कहीं भी ढंग से स्कूल नहीं लगते, और वहां पर ना तो जैसे टीचर होना चाहिए क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, और खासतौर से इस क्षेत्र में जो किसानों के लिए पानी की व्यवस्था होना चाहिए, जबकि प्रकृति ने यहाँ इतने सुंदर नाले नदी पहाड़ दिए हैं, मगर किसान आज भी परेशान है क्योंकि उसकी लागत भी वसूल नहीं होती है। तो यदि कांग्रेस पार्टी मुझे जिम्मेदारी देती है यहाँ की और अपना प्रत्याशी बनाती है, तो मेरी मिनिमम 50,000 प्लस से जीत होगी। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि हर वर्ग का, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ओबीसी का आदमी हो, चाहे SC ST का हो, हर व्यक्ति और खासतौर से पढ़ा लिखा जो रिटायर्ड आदमी है, जो एम्प्लॉयज है, सभी लोगों की इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में एक योग्य पढ़ा लिखा और अनुभवी व्यक्ति आना चाहिए, ताकि हम लोगों के जो गरीब हैं उनको रोजगार मिले, और खास तौर से जो हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको योग्यता के अनुसार रोजगार मिले। ये लोगों की चाहत है।